नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसन सिग्नल कम स्किनर बनाया और उसी का थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ। और नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मतलब 13 अप्रैल 2020 के लिए मैंने इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी और फ्यूचर्स का लेवल्स बाइसन लेवल्स और भी बहुत सारे लेवल्स दिखाऊँगा। तो इसका ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। और मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन देता हूँ, वो भी आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। मैंने लाइव ट्रेडिंग दिखाता हूँ, इससे आप लोग को पता चल जाएगा कि मेरा बाय सेल लेवल एंड चार्ट का सेटअप कैसे काम करता है। आप लोग एक्स्ट्रा बिजनेस होता है वो भी आप लोग को नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप्स है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करना बहुत ही आसान कर देगा। तो इसीलिए ये वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये जो बाय सेल सिग्नल कम स्किनर बना है इसमें क्या क्या है, व्हाट आर द थिंग्स अवेलेबल एंड हाउ टू स्क्रीन इट, ये सब वीडियोस आप लोग जरूर देख लीजिए ताकि आप लोग इसको आप लोग इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से आप लोग स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमा सकता है। तो इसीलिए आप लोग ये और आप लोग इसका मेरा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकता है। मैंने आप लोग को लाइव डेमो भी दिखाऊंगा, उसके बाद कोई भी लेवल मैच नहीं करेगा तो मेरे को आप लोग पूछ सकता है, कोई फीडबैक दे सकता है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो भी देख लीजिए। और मैं जितना सारा वीडियोस बनाता हूँ और मेरा जो चैनल है इसमें मैंने प्योरली एडुकेशन इंफॉर्मेशन पर्पज करता हूँ, इंफॉर्मेशन पर्पज में वीडियोस बनाता हूँ। तो आप लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए और ट्रेड करने के लिए पहले आप लोग का फिनेंशियल कंसल्टेंट का परामर्श जरूर ले लेंगे। तो देखिए मैंने ये तीनों बाय सेल लेवल दिखाऊंगा। ये बाय सेल लेवल वन है, बाय सेल लेवल वन में बाय सेल लेवल वन का जो है ये बाय सेल लेवल वन। तो बाय सेल लेवल वन का जो बाय सेल लेवल बाई का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट वन से टारगेट फोर बाएं तरफ रहता है और टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट दाएं तरफ रहता है। और सेल का भी ऐसा है, सेल का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट वन से टारगेट फोर बाएं तरफ और टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट दाएं तरफ। इसमें आप लोग को गैप अप और गैप डाउन को कंसिडर कर लेना है। सोच लीजिए कुछ एंट्री बीच मतलब नजदीक आ गया है या कुछ गैप अप हो गया, इसी इधर इधर खुला है क्या इधर खुला है, तो आप लोग को इसी का हिसाब से और इसका नज़दीक होगा तो इसका लेवल छोड़ के उस लेवल छोड़ के नेक्स्ट लेवल के लिए आप लोग को देखना है। तो आप लोग मेरा लाइव वीडियोस देखिए तो आप लोग को पता चल जाएगा, या पार्टनर्स वाला वीडियोस देखिए उसमें भी आप लोग को पता चल जाएगा। ये है बाय सेल लेवल टू, इसे भी आप लोग इस्तेमाल कर सकता है। और जितना सारा लेवल दिखाऊँगा वो आप कंपेयर करके डिसीजन ले सकता है। इसमें आप लोग को इंडिकेटर्स भी मिलेगा, कौन सा लेवल पे है निफ्टी का क्या पोजीशन है, मार्केट का क्या पोजीशन है, कौन सा लेवल पे लेना चाहिए, आप लोग को एक डिसीजन लेने से भी मदद करेगा। और कंफ्यूजन हो सकता है, जिन लोग का कंफ्यूजन होता हो सकता है ज़्यादा लेवल से, तो वो लोग एक कोई भी एक लेवल चुन के आप लोग कर सकता है। यह है पिवट पॉइंट, इसके बाद जो लोग गान का लेवल्स पसंद करता है, गान का बहुत सारा लेवल्स है। यह है गान का लेवल्स, ठीक है, ये रेजिस्टेंस साइड का है। और ये है ये गान एंगल्स का, ये है गान स्क्वायर ऑफ नाइन, यह है मूरस मैथमेटिकल्स लेवल्स। मूरस मैथमेटिकल्स लेवल्स में हाईएस्ट रेजिस्टेंस बीच में रहेगा, लोएस्ट सपोर्ट बीच में रहेगा। और एस वन एस टू से एस सिक्सटीन तक रहता है, ऊपर इस हाईएस्ट रेजिस्टेंस प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री रहता है। तो इसमें ट्रेड करने का तरीका है, सोच लीजिए 2588 और 2575 का अंदर है, तो इसको आप लोग को नीचे ट्रेड लेना है। और 2588 और 2601 के ऊपर अंदर है तो आप लोग को ऊपर ट्रेड लेना है। ये सिंपल तरीका से ट्रेड करना है इसमें। हार्डली लेवल्स हम लोग को दिखाता हूँ, और ये है 3 डिग्री एनालिसिस। ये था इसका, इसमें गान का कौन का अभी जो लास्ट प्राइस जो है वो गान का कौन सा डिग्री पे है वो दिखाएगा। और वो डिग्री और जो गान टाइम एंड प्राइस को जिसको बोलता है
और ये वो कौन सा लेवल पे कौन किस टाइम पे इसका चेंज आएगा, रिवर्सल आएगा, वो भी इधर से देख आप लोग को देख सकता है, आप लोग इसका जांच भी कर सकता है। और ये 360 भी अगान 360 भी एनालिसिस और लगान 60 अपसाइड फास्ट साइकिल, ये अपसाइड का फास्ट साइकिल है, ठीक है, इसका वैल्यू आप लोग नोट कर सकते हैं। और ये है अपसाइड का से डाउन साइड, ये सॉरी डाउन डाउन साइड का फर्स्ट साइकिल, अपसाइड का फर्स्ट साइकिल या डाउन साइड का फर्स्ट साइकिल, ठीक है। इसके बाद अपसाइड का सेकंड साइकिल और डाउन साइड का सेकंड साइकिल आएगा, इसके बाद ये एंड ऑफ द सेकंड साइकिल, इसके बाद अपसाइड का थर्ड साइकिल और डाउन साइड का सेकंड थर्ड साइकिल आएगा, ठीक है। और ये भी ये फर्स्ट साइकिल सेकंड साइकिल थर्ड साइकिल भी आप लोग नोट कर सकते हैं। और ये टाइम इंटरडे में कितना टाइम में चेंज होगा, ये भी एक कैलकुलेशन है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। मतलब लास्ट सेशन का हिसाब से आप लोग को ये दिया है, ये घंटा मिनट पे है। और ये है गांव स्क्वायर ऑफ सॉरी ये है नंबर वाइब्रेशन रूल ऑफ 7, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं। और ये है गांव स्क्वायर ऑफ 12, तो आप लोग मेरा रिकमेंडेशन मानेंगे तो मैं बोलूँगा कि आप लोग बाइसल लेवल 1 में कीजिए, नहीं तो गान का जो लेवल है उसमें कीजिए, गान एंगल्स का लेवल। और बाद में और एक लेवल दिखाऊंगा जो वोलेटिलिटी का लिंक है, वोलेटिलिटी भी गान एंगल्स है उसमें कीजिए। और इसमें मैंने 100 डे यूनिट को स्ट्रैटेजी दिखाऊँगा, क्योंकि मैंने उसमें पसंद करता हूँ, ये नहीं है कि बाकी ख़राब है या वो ज़्यादा काम करता है, वो मैंने क्रिएट करना मैंने पर्सनली पसंद करता हूँ उसमें। और इसमें देखिए जो वोलेटिलिटी लिंक का बेस्ट एंगल है वो उसमें वो बाद में दिखाता हूँ। और इसमें है ये देखिए जो 100 डे इमेज मूविंग एवरेज का स्ट्रैटेजी है, मूविंग एवरेज को जो काट करता है जो जो डेली कैंडल को काट कर रहा है, तो इसका जो हाई लो ब्रेक करेगा, इसका जब नेक्स्ट हाई लो ब्रेक करेगा ये अच्छा मोमेंट मिलेगा। इसमें भारतीय एयरटेल और फार्मा और मुथूट फिनांस और टॉरन फार्मा, ठीक है। इसमें इसके बाद मैंने इंसर्ट द बार एन एफ फोर एन एफ सेवन स्ट्रैटेजी दिखाऊंगा। हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन या 100 डे स्ट्रैटेजी से भी ट्रेड कर सकता है बाइसेल लेवल छोड़ के। तो देखिए इसमें कितना सारा मतलब इंसर्ट द बार एन एफ फोर एन एफ सेवन हुआ है, मैंने कुछ दिखा देता हूँ। एस एस सी में बना है वन डे का हिसाब से, एस एस सी अदानी एंड अदानी पावर अदानी पोर्ट इसमें एन एफ फोर वन डे का हिसाब से बना है और एन एस सेवन बना है, ठीक है। तो इधर अपना हॉस्पिटल में बना है, तो आप लोग कुछ चेक कर सकते हैं, जो लोग जानते हैं आप लोग कुछ को चेक कर सकते हैं चार्ट से। वन डे डेली चार्ट लगाएंगे और देखेंगे आप लोग इनसाइड डबल बना है कि नहीं बना है, एन एफ फोर एन एस सेवन हुआ है कि नहीं हुआ है। और इसमें देखिए इन्वर्टेड हैमर बना है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में, शिपला में, कॉन्कर में, और भी है, मैंने सब को सब देखा, मैंने कुछ कुछ एग्जाम्पल आप लोग को दिखा देता हूँ। इसमें आप लोग चेक कर सकते हैं या फिर भी कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें और फार्मा में सेफ आउट बना है। और ये जो मास्टर लॉन्ग और मास्टर शॉर्ट है, ये जो पोर्शन है तीनों और ये तीनों, तो इसमें आप लोग हाई वे जब ब्रेक करेगा तो इसका स्कर्ट का जब हाई ब्रेक करेगा, इसका जब लो ब्रेक करेगा, तो आप लोग अब वन करके आप लोग इस तरह से ट्रेड ले सकता है, क्योंकि मेरा सीरियस लेवल्स है, इसमें आप लोग को आसानी से पकड़ जाएगा। ये बहुत पुलिस एंगल पिन बना है हमारा जो बैटरी में अपने टायर में, पुलिस एंगल और भी बना है बजाज ऑटो में, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। किसी को कुछ पूछना है और किसी को कुछ फीडबैक देना है तो जरूर दे देंगे, कोई ऐसा नहीं हो रहा है। और इसमें लॉन्ग टेल कैंडल, अदानी पावर, अदानी पोर्ट और एलसीएम पेंट आप लोग देख सकते हैं। और इधर ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, इसमें टिकट सिग्नल बना है अपन हॉस्पिटल में, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में और बर्जर पेन में, और ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। इसका थोड़ा बहुत सारा फ्लैग पैटर्न अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, फ्लैग पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न, बिलीस बी आर एस,
सेकंड शोल्डर निकला, सभी समय बंद तो नहीं है, तो इसमें सभी समय सबका सब पैटर्न नहीं आता है। तो देखिए इसके बाद मैंने मतलब इधर से कुछ स्टॉक्स को चुन लीजिए, मैंने इसका जो वाइसल लेवल्स जो गान का लेवल्स है वो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का दिखा दिया हूँ, तो आप लोग इधर से कुछ स्टॉक्स देख लीजिए। मैंने अभी तो प्रकार स्क्रीन कर देता हूँ, उसके बाद इधर से आप लोग पढ़ सकते हैं उस लेवल का। आप लोग कुछ स्टॉक्स के ऊपर देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी का जब चार्ट मतलब एनालिसिस किया उसमें आप लोग को बहुत यही सब लेवल्स दिखा दिया था जो मैंने अभी दिखाने जा रहा हूँ। तो इसमें अभी स्टॉक्स का दिखाऊंगा, तो वो आप लोग चेक कर सकते हैं। मैंने कुछ मतलब स्क्रीन कर लेता हूँ, तो ये चार्ट मतलब आप लोग को कम दिखाएगा स्टॉक्स के ऊपर आप लोग नजर रख सकते हैं। इसमें वॉल्यूम का हिसाब से देखेंगे, वॉल्यूम का हिसाब से देख लेना है, मैंने वॉल्यूम थोड़ा सा बेस्ट और कंडक्टर बता देंगे। इसका डिलीवरी परसेंटेज को भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, क्योंकि मैंने इंटर डे सॉरी वोलेटिलिटी अभी तो वोलेटिलिटी ज़्यादा चल रहा है, तो इसका थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज़्यादा दिखाऊंगा, क्योंकि तो ज़्यादा होने से अच्छा रहेगा। और डिलीवरी परसेंटेज को भी थोड़ा सा कम होने से इंटर डे मैंने मेरा नहीं पाता था इंटर डे के देखने, इसलिए 40% थोड़ा सा नीचे जाना है। और जो लोग डिलीवरी करना चाहता है डिलीवरी यूज़ करना चाहता है तो उधर देखिए लगभग जो मैंने इधर का बाइसल लेवल दिखाया उसी का आ रहा है। अच्छा एक चीज़ इधर भूल गया मैंने, पहले उसको देखा लेता है सर, बाइसल लेवल निफ्टी कमोडिटी का बाकी रह गया, और इसका निफ्टी कमोडिटी दिखाने का भी भूल गया था, इसका बाइसल लेवल इसका निफ्टी का तो निफ्टी बैंक निफ्टी जब दिखा था तब बहुत सारा लेवल दिखा था, लेकिन ये बाइसल लेवल 1-2-3 दिखाने का, तो इसका भी आप लोग नोट कर सकते हैं। बाइसल लेवल्स तो बाइसल लेवल 1-2 चला गया, उसके बाद आप लोग पॉज करके करके देख सकते हैं कौन सा बाइसल लेवल 1 कौन सा बाइसल लेवल 2 3 सारा एंगल्स बीच में कुछ आता है, ये कैलकुलेशन इंडिकेटर्स वगैरह आता है, क्योंकि ये मैंने इसमें मैंने स्क्रीन करने का ये दिखाया आप लोग को कैसे स्क्रीन कर किया, तो इसका स्क्रीन करने के लिए मैंने ये रखा हूँ, तो इसीलिए बीच में वो आता है सभी से ऑल बाइसल लेवल्स, तो मेरे को तो कैलकुलेट करना पड़ता है बाइसल लेवल्स, तो इसीलिए उसको रखना पड़ता है और इंडिकेटर्स भी रखना पड़ता है। अच्छा ये निफ्टी या निफ्टी हो गया, इसका कमोडिटी का दिखा देता हूँ, डाटा और इंडिकेटर्स रखना पड़ता है, तो इसलिए भी जिन आ जाता है आप लोग पॉज करके आते हैं। ओनली बाइसल लेवल्स जो है गर्ल लेवल्स मिरर्स लेवल्स ये सब लेवल्स आप लोग को देखने से ही पता चल जाएगा, तो आप लोग फॉरवर्ड करके पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। कोई भी एक ट्रेन में काम कर सकता है, या कुछ भी नहीं मिलेगा तो कोई भी एक नहीं मिलेगा तो आप मेरे को जरूर फीडबैक देना, और जो नहीं मिलेगा जो जो मैच करता है आप लोग को अच्छा लगता है वो भी आप लोग जरूर फीडबैक देना, तो मेरे को फिर मोटिवेशन भी आएगा। इसका आप लोग को पसंद आता है या आप लोग को मैच करता है जब मैच करता है
मैं लाइव वीडियो बनाता हूँ उधर में, आप लोग को लास्ट 3 दिन का लाइव वीडियो आप लोग देख लीजिए। पूरा निफ्टी बैंक निफ्टी लेकर किया हूँ, स्टॉक्स में ट्रेड किया हूँ मैंने, तो उसका लाइव वीडियो आप लोग देख लीजिए। तो उसमें कैसे वैसे लगे सारा है वो आप लोग को, होपफुली आप लोग को मज़ा आएगा या आप लोग उसका अच्छा लगेगा आप लोग को। ओके, तो इसका दिखा दिया। उसके बाद मैंने जो दिखाने जा रहा था, तो देखिए इसका जो इसका जो लेवल्स दिखा रहा था, देखिए पहले ये फिबोनाची का 7 डेज मल्टीपल टाइम फ्रेम में फिबोनाची का किया हूँ। मल्टीपल टाइम फ्रेम में करने का ये मतलब है कि जब लंबा कुछ अंतर सेस लीजिए, वीकली मंथली या डेली का मतलब कुछ लंबा टाइम फ्रेम का कुछ वैसा लेवल मतलब ब्रेक होता है, लेवल ब्रेक होता है तो अच्छा मूवमेंट देता है। तो आप लोग इधर से ये देख सकता है, सीपीआर देख सकता है। इसके बाद जो आएगा वो मेन चीज़ है, ये है ये सेक्शन मेन चीज़ है, ये फिबोनाची लेवल्स बेस्ड ऑन डेली वोलेटिलिटी, ठीक है। फिबोनाची लेवल्स बेस्ड ऑन डेली वोलेटिलिटी, इसमें भी आप लोग काम कर सकता है। लेकिन मेरा जो है तो ये गन एंगल्स जो है, ये जो गन एंगल्स है और गन डिग्रीज है वोलेटिलिटी बेस्ड, ये R1, R2, R3 इसके बाद डिग्रीज में दिखाएगा, वो इसमें आप लोग काम कीजिए। तो इसमें मेरा सबसे ज़्यादा होता है मतलब मेरा सबसे ज़्यादा सभी में आप लोग, मैंने बोला है कि कुछ भी लेवल्स नहीं मैच करेगा आप लोग मेरे को बोल सकते हैं। यह है स्टैंडर्ड डिविजन बेस फिबोनाची लेवल्स, लेकिन क्या है इसमें कुछ सुविधा होता है जो मेरा अच्छा लगता है, मेरा इसमें तो मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ तो इसीलिए। और ये लेवल्स भी बहुत ही अच्छा है, ये तीनों लेवल्स मतलब गन एंगल्स वोलेटिलिटी बेस्ड गन एंगल्स गन डिग्रीज और ये जो लेवल्स लास्ट ये जो इंडिकेटर्स का लेवल्स है, ये एक्चुअली एक इंडिकेटर्स का लेवल्स है। मैंने इंडिकेटर्स को कैलकुलेशन करके ये इसमें किया हूँ, इसमें कीजिए, ये तीनों मिला के आप लोग कीजिए तो आप लोग को मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, इसमें कुछ लेवल्स दिखाऊँगा मैंने, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। ऑलरेडी निफ्टी बैंक निफ्टी का देखा चुका हूँ, अब लोग इसको कुछ स्टॉक्स का नोट कीजिए, इसमें भी बहुत सारा लेवल्स है, इंडिकेटर्स है, ये बाईस लेवल्स आप लोग देख सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी का ये ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ये है टू रेंज बेस्ट है, एटीआर बेस्ट टू रेंज का। और इसका आप छोड़ देना चाहता है, जो लोग लॉन्ग टर्म में करेगा वो छोड़ देना। ये एटीआर का जो नॉर्मल टाइम पीरियड है 14 पीरियड का, उसके हिसाब से फिबोनाची लेवल्स, ये भी आप लोग छोड़ सकते हैं। जो लोग लंबा करेगा मतलब लॉन्ग टर्म में करेगा उसका देख सकता है, ये गन एंगल बेस्ट ऑन 2 रेंज 1, ठीक है। और ये है गन एंगल बेस्ट ATR 14, ये भी बहुत ही अच्छा काम तरीके से काम करता है। और 1 डे 7 डेज के हिसाब से आप लोग सोच सकते हैं, 1 डे 15 डेज ये भी आप लोग सोच सकते हैं, जो लोग इंटरडे कर सकता है इंटरडे कर रहा है। लेकिन इसका जो है 30 डेज ये भी सोच सकता है, लेकिन ये जो लास्ट वाला लेवल्स है इसको आप लोग जरूर नोट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलेंगे, और आप लोग जरूर फीडबैक देना मेरे को।